नमस्कार अमर ओडिशा को स्वागत करछु ममय वर्तमान संपूर्ण खबर बुलेटिन आरंभ करबाक बड़ खबर गंजाम रे गोष्ठी संघर्ष जणे मृत कोदळा एनएससी रो खदळा साई रे गोष्ठी संघर्ष होइता खबर सामना को आसुची फल रे कालुदास नामक जणे व्यक्ति को मृत्यु हित सूचना मध्य सामना को आसुची गोष्ठी संघर्ष रो अन्य किछ लोक आहत होइता खबर मध्य जणा पडची घटना रो तदंत आरंभ करछि पुलिस। अधिक आलोचना करिबा मो सहयोगी कैलाश सीधासलख फोनलाइन ने जोड़े चंदी कैलाश वास्तव में को घटना को नहीं गंडल होता ना अन्य कारण किसी थी अधिक सूचना कौन रही कैलाश जेहेतु आज सकाल भोर पाखापाखि 7:45 समय रे ई घटना घटी जहाँकि गोष्ठी संघर्ष होती कदला थाना अंतर्गत जोर अच्छी खादल साहि गोष्ठी संघर्ष होती है क्यों कारण जो यही गोष्ठी संघर्ष होती बर्तमान पर्यटन स्पष्ट हो ना बेले यही घटन जहाँकि गोटे गोष्ठी जड़े मृत्युबरण करय एक गोष्ठी किसी लोक आहत होती मृतक जनक जहाँकि कालुदास जना पड़ी जहाँकि बर्तमान सूचना मिली कालु जहाँकि सकाल समय निजर जो साई रही साई छक बैक जगे जाता बेले सेठार छपी रही किसी लोक आतर्कित भाव खंडा और लुहा रोड साखापाखि 3-4 जन को आक्रमण करते आक्रमण घटनास्थल में ही जहाँकि कालुदास मृत्यु होती घटना संपर्क सूचना पाया पर कदला थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंची और तदंत आरंभ कर कालुदास पर लोक पचराउचरा कर सहित स्थानीय अंचल लोक पचराउचरा करे घटनास्थल चापा उत्तेजना जारी रही किसी लोक उत्तक्त हो जहाँकि चारु पांचटी घर नि लगे देव बर्तमान सूचना मिली तेज क्यों कारण जो नि लगे जेहेतु से अपर गोष्ठी थे ना से बर्तमान पर्यटन कौन प्रकार स्पष्ट सूचना मिल ना बेले पुलिस तदंत जारी रही निवा निम्ते अग्निशम विभाग अधिकारी डक बर्तमान सुधा जहाँकि साई में बर्तमान चाप जारी रही कैलाश पुलिस प्राथमिक तदंत तो आरंभ हो सारी कि सूचना मिली कि पुलिस पाखर की सूचना मिल पार देखो निहते पूर्व दुई गोष्ठी मध्य पूर्व छोट मोट झगड़ा रही है और से झगड़ा को मध्य कदला थाना आपस बुझामणा द्वारा ताकि समाधान करु से ही आपस बुझामणा सत्ते आज ताकि उग्र रूप नहीं कहे अत्युत्य ना कारण सका सका भाव गोष्ठी संघर्ष जहाँफल गोटे गोष्ठी जनकर जहाँकि कालुदास मृत्यु होती है घटन पुलिस छानबीन आरंभ कर गोटे पटे बेगुनियापड़ा फांडी पुलिस को नियोजित कराई निवाई कार्य जारी रही बेले कि भाव जो अभियुक्त रही मैंने अपर गोष्ठी लोक क्यों कारण जो आक्रमण कले से कि खुब शीघ्र धरा जीव से कदला थाना पुलिस तदंत बर्तमान पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ कर छानबीन जहां आरंभ कर गोष्ठी संघर्ष भी कहु पर ही जना पड़ जो वास्तविक घटना कौन थी बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश आप समस्त सूचना पर। बुलेटिन समय ब्रेक रो ब्रेक पर आपको स्वागत राज्य दिनक राउ 623 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती संगरोध 362 स्थानीय अंचल 261 रोगी चिन्हट होती 623 नुआ आक्रांत 18 वर्ष कम बयस 95 जन चिन्हट होता सूचना सामना आसत राज्य में संक्रमित संख्या 10,20,244 को वृद्धि पाई एजे सुस्थरणी 10,06,320 जन 5,736 जन एवं भी चिकित्साधीन अच्छा खोर्धार सर्वाधिक 272 कटकु 74 आक्रांत चिन्हट होता बेले जगत सिंहपुर 29 जाजपुर 28 बालेश्वर 28 आक्रांत चिन्हट होती देशर तौक खसला कोरोना ग्राफ गत 24 घंटे 30,773 नुआ आक्रांत चिन्हट होती 309 जन जीवन नहीं महामारी एथस देश में कोरोना मृत्यु संख्या 4,44,838 को वृद्धि पाई देशर दिनक 30,773 कोरोना आक्रांत चिन्हट होवा सहित मोट आक्रांत संख्या 3,34,48,163 को वृद्धि पाई से सुस्थ हेले 3,26,21,167 3,32,158 कोरोना रोगी एवं भी चिकित्साधीन सूचना मिली अंपटे गत 24 घंटा मधे केरल संक्रमित संख्या कमी जमापड़ केरल में 19,352 जन नुआ संक्रमित चिन्हट होता बेले 143 जन जीवन नहीं महामारी पंजाब में राजनीतिक संकट मुख्यमंत्री पदर इस्तफा देते कैप्टेन अमरिंदर सिंह राज्यपाल
बनवरीलाल पुरोहित को भेटी से इस्तफापत्र कैप्टेन अमरिंदर सिंह इस्तफा पर बसिता कांग्रेस विधायक दल बैठक जो राज्य परवर्त मुख्यमंत्री किए हम सेने आलोचना हेल्ले किसी निष्कर्ष बाहरी पारि ना एने आज पुणी थे विधायक दल बैठक बसुचे बैठक में जोगदेक सब् दल विधायकों निर्देश दीजिए बैठक में जोगदे तीन केन्द्र पर्यवेक्षक अजय वाकेन हरीश रावत हरीश चौधरी नुआ मुख्यमंत्री पदपाई पांच नेता नाक नहीं चर्चा जोरदार हो पांच नेता हेले पूर्वतन पीसीसी सभापति सुनील झाकर प्रताप बाजवा मंत्री सुखविंदर रांधवा सुखविंदर सिंह और तृतीय रंजर बाजवा बोली जमापड़ सुनील झाकर नहीं आलोचना होता सूचना सामनाक आसी पंजाब विधानसभा मोट शह सतर आसन कांग्रेस पाखे अशी आसन रही बेले आखिर रही षोह और अकाली दल चौदह आसन सूचना सामनाक आसू चांदीपुर डीआरडीओ तथ्य लिक मामला पांच अभियुक्त को माराथन जेरा कर क्राइमब्रांच बालेश्वर एसडीजेएम कोर्ट अनुमति क्रमे सात दिन रिमांड आनी पांच अभियुक्त को गत रात कटक आनी क्राइमब्रांच बालेश्वर जेल को कड़ा सुरक्षा अणाईला और आज चल माराथन जेरा गुप्तचर गुप्त तथ्य उन्मोचन करने क्राइमब्रांच स्वतंत्र टीम समस्त पांच गिरफ अभियुक्त को जेरा कर समस्त दिगक नहीं मूल क्राइमब्रांच तदंत आरंभ कर अन्य कार संपृक्ति रही कि नहीं से नहीं अभियुक्त को जेरा कर दरकार पड़े केन्द्र संस्थार सहयोग निरी क्राइमब्रांच घटना को नहीं एनआईए खोलताड़ कर विशेषकर बांग्लादेश अनुप्रवेशकारी लिंक को नहीं खोलताड़ कर एनआईए पारलाखेमुंडी एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामलार तनगना डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा और रोसिया मनमोद कुम को हला लाइट डिटेक्शन टेस्ट भुवनेश्वर फोरेन्सिक ल्याब्रे एमानको लाइट डिटेक्शन टेस्ट शनिवार लाइट डिटेक्शन टेस्ट पर भुवनेश्वर पहुंची थे पारलाखेमुंडी डीएफओ संग्राम केशरी जेना और रोसिया प्राय तीन घंटा धरी टेस्ट कर उभय को इस समय पचास रु अधिक प्रश्न पचारा सूचना मिली आवश्यक हेल्ले विद्याभारती लाइट डिटेक्शन टेस्ट संभावना रही पूर्व यह मामल में डीएफओ को जेरा कर क्राइमब्रांच एथस विद्याभारती पर लोक जेरा कर मृत समय पर लोकों बयान रेकर्ड कर घटन संप्रक्ति अभोग क्राइमब्रांच गुरुआंडी थाना ओआईसी ममताराणी पंडा को जेरा कर तेज प्रथम घटनार तदंत कर पुलिस डीएफओ को क्लीन चिट देता मृत समय पर अभियोग कर पु मृत्यु पचार डीएफओ हाथ रही कटक विभिन्न ब्यारेज में कमुचे महानदी जलस्तर सकाल छटा सुधा मुंडुरी में 655,000 क्यूसेक जल प्रभावित होती जबड़ा ब्यारेज बहुत 324,530 क्यूसेक जल सेपटे काठजोड़ी में नराज में बहुत 324,498 क्यूसेक जल बरमुड़े 5.02 खैरामड़े 4.36 लाख क्यूसेक जल प्रभावित होती खोर्धा ब्लॉक अरबर सिंह पंचायत में बन्या पानी प्रवेश करछि अरबर सिंह पंचायत हरिमोड़ गांव में पानी पसिबा आरंभ करछि धीरे धीरे पानी बढ़ुथवारु लोके भयभीत अवस्था अछन्ति प्रतिवर्ष हीराकुद गेट खोलिले खोर्धा ब्लॉक रो दुईटी पंचायत अरबर सिंह और नरनगर थिबा सरदापुर मानपुर हरिमोड़ बड़मोड़ धवलपुर अर्मी गांव में बन्या जल पशि क्षयति करथाय सेबरे पानी जमी रहिले धान फसल मध्य नष्ट होवार आशंका करछन्ति ग्रामवासी मानपुर गांव लोके जलबंदी अवस्था अछन्ति लोकों पाखरे प्रशासन पहुंची सत किंतु यार स्थायी समाधान दाबी करछन्ति स्थानीय बासिंदा बन्या पानी घेर रे खोर्धा ब्लॉक रो तीन पंचायत ब्रजमोहनपुर नरणगड़ एवं ता सहित ओरोबर सिंह पंचायत विशेषकर प्रभावित होई नरणगड़ एवं ओरोबर सिंह पंचायत रो आठटी गाँ आम अच्छु धवलपुर गाँव में अच्छा जो भी देखते आप ग्राम्य जल जोगाण प्रकल्प रही संपूर्ण भाव में बुड़ जाइए जहाँफल कि लोक मानी पीबारे नहीं ना असुविधा सम्मुखीन होती जातायात कथा कहतु ग्राम से अनेक समस्या सृष्टि जेहेतु पानी घर से चारिदिन हम अच्छा आम सहित ग्रामवासी अच्छा आलोचना करा आज्ञा केते दिन हम आप रही दुर्दशा के बढ़ी चारिदिन है पानी से बुड़ी रहा किसी तो प्रशासन आणिक दौना आम भोक उपास रही चूली चाल सब अदा कौन कर पानी जल रो समस्या रही कमी देख पानी जल कौन से देखे पाउच पा थुआई देना ट्यूबवेल तो बुड़ी गला हईरा उपास रोच कौन कर
ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ପାଣି ପଶିବା ପରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶେ ସେତେବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳର ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁନାର ଫସଲ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଚାଷ ଜମି, ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ? ଚାଷ ତ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ପାଣିରେ, ଆଉ ଧାନ ଯାହା କରିଥିଲୁ ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିକଳରେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଚୁଲି ଚାଳ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ? ଆଜ୍ଞା, ତ କିଛି ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ପାଣି ପାଉଛୁ, ଆଉ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେମିତି କରିବୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ହାତ ଦେଇକି ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମାଇପି ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଏହାର ଦରକାର, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ କରାଗଲେ ରାଜୁଆ ନଦୀରେ, ଏଇ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ପାଣି ପଶିବନି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଖସୁଛି ଅନ୍ୟ ଫସଲର ବିକଳ୍ପ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଧବଳପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଉଭୁଟୁବୁ କଣାସ ବନ୍ୟା ପାଣି ଏବେ ବି ଘରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମିଛି, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କମଳବତୀ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଲୋକେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପାଣି ଘରରେ, ଚାରିଦିନ ଧରି ଜମି ରହିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବ୍ଲକର 2 ପଞ୍ଚାୟତର 20 ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ପାଣି ଆଉ ପାଣି, ଦୟାନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଲହରୀ କରୁଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି କଣାସ ଅଞ୍ଚଳ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ଦୟାନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଆଣ୍ଠେ ଉଚ୍ଚାରୁ ଅଧିକା ଉଚ୍ଚାର ମଧ୍ୟ ପାଣି ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେଉନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠୁ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଜମିଛି, କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ମାନେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, 4-5 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ହେଇସାରିଲଣି, ଆଉ ଆମେ ତ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ହଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ଶୋଇବା ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧାଟା ଆମକୁ ହଉଛି। ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ସବୁ କିଛିଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ, ଭୟରେ ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ବହୁତ ଭୟ, ଆମେ ଜନ୍ତୁକୁ ତ ବେଶୀ ଭୟ ନା ନାହିଁ, ରାତିରେ ବି ଆମେ ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛୁ, ଶୋଇ ବସି ପାରୁନୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଧରିକିରି ରହିଛୁ ଆଉ। ନା ନା, ରୋଷେଇ ନାହିଁ, ସେମିତି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏମିତି ଖାଇକି ଆମେ ରହିଛୁ ଆଉ, ରୋଷେଇ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କୋଉଠି କେମିତି ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଦିନ ତ ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିବା ପରେ ତା ପଛେ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା, ବନ୍ୟା ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ। ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଫିଟେଇ ଦେଇକି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ଛାତ ଉପରେ ରଖିଛୁ, ଖଟ ତଳେ ତ ପାଣି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବୁ ସିଆଡ଼େ ପାଣି, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ। କଷ୍ଟରେ ତ ସେମିତି ଅଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ଯେ। ଆମର ତ ଏଇ ଦୋକନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ, ଦୋକନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଦୋକନ୍ଦାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଘେରରେ ଆଉ। କିଛି ନା, ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁ ଉଚ୍ଚାରୁ ଅଧିକା ଉଚ୍ଚାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଧାନ ପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସବାବପତ୍ର ରହିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 4 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିନି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ
लोक मैंने जो भी भाव में जीवन जापन करते गोटे दयनीय अवस्था अच्छा रोसे कर गोटे असुविधार सम्मुखीन होती ना से शुखला खाद्य जोगे दि जाइए ना पानी जलर व्यवस्था कर विशेषकर जो थंडा जनित समस्यापी कोरोना व्यापी लोक मे आज पर्यटन मानते थंडा ज्वर मेडिसीन से पाखे जोगे दि जाए जहाद्वारा गोटे प्रकार लोक मेरे असंतोष देखा देती बना विपन्न गोटे प्रकार असंतोष देखा मिली आशा रखी प्रशासन से हाथ बढ़ाव पूरी जिला कणासुर देवाशीष सिंग्राइन न्यूज 18 ओडिया। लगाण वर्ष बन्या जो केन्द्रापड़ार अनेक तळी अंचल रे पानी जमी रही ब्राह्मणी तर शाखा नदी जलस्तर ह्रास पाउछि बन्या आसी अनेक तळी अंचल जलमग्न रही विशेष भाव पट्टामुंडाई आली और राजनगर ब्लक रो 20 रु ऊर्ध पंचायत पानीघर रही अनेक गाँव बाह्य जगतर बिछन हो पड़ी एवं भी केतक रास्तार पा चली बन्या मुकाबला जिलार अग्निशम विभाग सहित एनडीआरएफ और ओड्राफ टीम बर्तमान घटनास्थल रही गोटे एनडीआरएफ टीम और दुईट ओड्राफ टीम अग्निशम विभाग अतिरिक्त 6 टीम नियोजित अच्छा महानदी और तार शाखा नदी गुड़िक द्वारा जलस्तर विपद संकेत तले प्रभावित होता सूचना सामना को आसुची। राजधानी नवविवाहित झुलंता मृतदेह उद्धार भुवनेश्वर लिंगराज थाना कपिलेश्वर अंचल में महिला मृतदेह उद्धार करिछि पुलिस मृत महिला हेले काकटपुर अंचल लक्ष्मीप्रिया दास गत फेब्रुआरी कपिलेश्वर अंचल दिल्ली महापात्र को विवाह करते निज साड़ी में लक्ष्मीप्रिया आत्महत्या करथवा प्राथमिक तदंतर सामनाक आसी खबर पाई लिंगराज पुलिस पहुंची मृतदेह जबत करने पर लोक अवगत करछि विवाह मात्र 7 मास न पूर्ण झी आत्महत्या करने कथा को सहजरे विश्वास कर पार ना पर लोके शशुर घर लोक झील को मानसिक निर्यातना दौर झी निष्पत्ति थाना अभियोग कर लक्ष्मीप्रिया परिवार लोके पुलिस लक्ष्मीप्रिया स्वामी दिलीप को थाना अटक रखि अधिक पचराउचरा कर राजधानी विभिन्न बार रेस्टुरांट्रे चढ़ाव बीएमसी और कमिश्नर पुलिस मिलित चढ़ाव कर खबर सामनाक आसू चंद्रशेखरपुर पटिया समेत विभिन्न स्थान में चढ़ाव चली राति 10 पर बार गुड़िक खोल सहित जमी मदर असर शताधिक युवक युवती मद निशार मस्कुल थे बार भितर नाला कोविड कटक बार मैनेजर सहित 4 जन चंद्रशेखरपुर थाना अटक रही बीबीआई बार को सिल करने सहित थाना मामला दे बीएमसी जेडीसी अंशुमान रथ विलंबित राति रेड करने जवा समय बीएमसी जेडीसी अंशुमान रथों सहित आउ किसी बीएमसी कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी को लिफ्ट दीर्घ समय पर्यंत बंद कर अभियोग उभय बार नारे चंद्रशेखरपुर थाना मामला रुजु होई अभियुक्त स्वामी को धरिया को आसी हटहटाला भद्रक पुलिस गंजाम जिला छतरपुर ब्यांक कलोनी पिना सामल द्वितीय विवाह करथवा नै अभियोग परे भद्रक पुलिस सेठाकू जाइतला 2015 मसेर भद्रक रो जोशनारानी सामल को विवाह करथले पिना पुनी छतरपुर ज्योति सिंह नामक जन युवती को विवाह करथले पिना जोशनारानी को अभियोग परे पिना को खोजबा को गतकाली राति 12 छतरपुर पहुंचीतला भद्रक पुलिस राति 12 रे पिना को भद्रक पुलिस पिना को काबू करबा को उद्यम करथला पिना घरे रहितले सुधा अटक भयरे कबाड़ खोल नथिले बहु बुझाचा परे सकाळ 8:30 समय रे भद्रक पुलिस पिना को काबू करछि छतरपुर थाना रे पिना को अटक रखी पचराचरा करछि भद्रक पुलिस। साली को विवाह करबा को 4 झ को हत्या कला बापा राजस्थान बाड़मेर घटी एभले कि अभावन्य घटना अभियुक्त तार 4 झ को विष दे हत्या करबा परे पानी टांकी रे फिंगी देतला परे निजे आत्महत्या करबाकु चेष्टा करी विफल होई पड़ोसी ठारु सूचना पाई पुलिस अभियुक्त पुरखाराम को गुरुतर अवस्था उद्धार करी डाक्तरखाना रे भर्ती करछि सूचना अनुसार अभियुक्त पुरखाराम तांको साली को विवाह करबाकु चाहुतले एथिरे 4 झ थिले बाधक एथिमे पुरखाराम 4 झ को विष दे हत्या करछि पूर्वरु कोरोना रे पुरखाराम को स्त्री को मृत्यु होता या पर से तार साली को सहित द्वितीय विवाह करबाकु चाहुतला मात्र एथिरे तार 4 झ बाधक साजिथिले मृतक बयस 1-9 वर्ष मध्य 3 बड़ झ को विष दे हत्या करबा परे 1 वर्ष सान झ को धरी पानी टांकी भितर को डेई पड़ीला तो अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसका और बच्चों का बॉडी है वो अभी अपने सीएससीसी में है इसकी पुलिस तहकीकात कर रही है उनके पीहर पक्ष को इतला दे दी है ताकि वहाँ से जो भी इतला और रिपोर्ट देंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी तो सामने यही चीज़ आया कि वो
दूसरी शादी करना चाहता था, तो उसका साली कोई उसने ये सबसे पहले उसने एक सुसाइड नोट भी मोबाइल में सुसाइड नोट लिख के और अपने ससुराल वालों को भेजा, और ससुराल वालों से ही इतना मिली कि उसने ऐसा ही मैसेज क्यों भेजा, वो उन्होंने उसके भाई को भेजा और भाई ने जाके वो फिर पुलिस को इतला दिया। नेटवर्क एटी सुनिश्चित करने चाहे प्रत्येक भारतीय को कोविड टीका मिलू। टीकाकरण संपर्क में सचेतनता सृष्टि नेटवर्क एटी और फेडराल बैंक प्रयास संजीवनी सटअप लाइव को समर्थन करूँ। स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपोलो 24/7।